विंस कोचिंग सेंटर की सिफा लाइब्रेरी में हुई मासिक टेस्ट परीक्षा। मासिक टेस्ट परीक्षा में 150 बच्चों ने लिया हिस्सा। परीक्षा उत्तीर्ण कर सबसे अधिक अंक पाने वाले बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव चांदपुर में स्थित विंस कोचिंग सेंटर के संस्थापक मुबारक अली ने जानकारी देते हुए बताया कि आज विंस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों की मासिक टेस्ट परीक्षा दिलाई गई थी। इस दौरान 150 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। सेंटर पर परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं विंस कोचिंग सेंटर के संस्थापक ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में विंस कोचिंग सेंटर एकमात्र ऐसा संस्थान है जो क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कराता है। यहां कोचिंग सेंटर पर दूर दराज से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 5 सालों में विंस कोचिंग सेंटर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ पढ़ने वाले 50 से अधिक बच्चों ने अभी तक सरकारी नौकरी हासिल की है। इस विंस कोचिंग सेंटर पर छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए सारी सुविधा दी जाती है। सर आपका नाम? मेरा नाम मुबारक अली है। कौन से संस्थान चलाते हैं? रहने वाला हूँ जी, और मेरे कोचिंग का नाम विंस कोचिंग सेंटर है। सिफा लाइब्रेरी अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। आज आपने कुछ परीक्षाएं हुई थी आपके यहाँ, कुछ बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षाएं पास की हैं। कितने बच्चों ने यहाँ परीक्षाएं पास दी हैं? देखिए, लगभग समथिंग 150 के आसपास स्टूडेंट बैठे हैं, जिसमें कि मैंने टॉप 10 निकाले थे और टॉप 10 में से टॉप 5 को पुरस्कृत किया गया है जी। तो किस तरह की पढ़ाई आप अपने कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं? मेरा माध्यम जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिस कराना और वहाँ तक पहुँचा देना मेरा मार्गदर्शन है कि बच्चे को उसका लास्ट अंजाम तक पहुँचा दूँ या उसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूँ। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग सेंटर कमी मिलते हैं, लाइब्रेरी कमी मिलती है, तो आपने कहाँ से सोचा, ये सोच आपको कहाँ से प्राप्त हुई? सर मैं ठाकुर द्वारे पढ़ता था, तो उस समय वहाँ पर काफ़ी कोचिंग सेंटर हो गए थे, तो यहाँ आने जाने की समस्या थी और जो लड़कियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों का वहाँ से उद्धार हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अपना यहाँ पे कोचिंग सेंटर और सिफा लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन की। कितना समय हो गया आपको? लगभग कोचिंग सेंटर को 6-7 समथिंग हो गए हैं और लाइब्रेरी को लगभग अभी 4 मंथ हुए हैं। तो आपके यहाँ कोचिंग सेंटर से अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ नौकरी प्राप्त की? मेरे कोचिंग सेंटर से लगभग 47 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, जॉब पर पहुंच चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासी, जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चे कहीं और ना भटके, वो अपने पास के कोचिंग सेंटर को और सिफा लाइब्रेरी को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह एक दिन उनको कामयाबी मिलेगी। अच्छा सर, जैसे कि काफ़ी जगह बड़ी बड़ी फीसें रखी जाती हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको वो फीस देने में दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ? गरीब बच्चों के लिए मेरे पास में स्पेशल अलग से एक हॉल तैयार है, वो उसमें पढ़ लेते हैं और वहाँ पे माहौल बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास में जो मतलब धनी लोग हैं, जो पैसे वाले हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए एक्स्ट्रा अलग हॉल है। जैसे जैसे मेरे पास में सुविधा होती चली जा रही है, वैसे वैसे मैं उनको सुविधाएँ देता चला जा रहा हूँ। अभी तक बच्चों को बैठने के लिए कितनी चेयर आपने बनवा रखी है? मेरे पास में लगभग इस समय 140 सीटें अवेलेबल हैं। उसमें बच्चे कितने हैं? बच्चे लगभग समथिंग 150 प्लस होते हैं, तो उसमें प्रेजेंट जो रहते हैं 130, 120 इतने प्रेजेंट रहते हैं। पर्वत मान कितने? अच्छा, चांदपुर के पास में। अच्छा, यहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं? 150 समथिंग। आपने आज यहाँ परीक्षा दी, कितने अंक आपको मिले? 110। पूर्णांक क्या था? 150। क्या अच्छा लगता है यहाँ लाइब्रेरी में आपको? यहाँ पे आके मतलब एक सुकून होता है जो कि घर पे नहीं मिलता। अच्छा, कुछ ना कुछ काम करते हैं जी, यहाँ पे हम आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। आपने पहले भी कहीं पर ऐसी कोचिंग प्राप्त की है? नहीं नहीं, हम यहीं से। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर कोचिंग करते हुए? 2 साल प्लस। अभी किसी परीक्षा में प्रतिभाग किया है आपने? यस। कोई रिटिंग तोड़ा है अभी तक? आगे के प्रयास रहेगा आपका?
आगे अच्छा प्रयास रहेगा। अच्छा, अपने टीचर्स के लिए क्या कहना चाहते हो? ऐसे टीचर हैं जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, तो शिफा लाइब्रेरी में आप पढ़ाने आते हैं या कुछ? जी, और मैं चाहता हूँ कि जो हम इस काम को अंजाम देने के लिए हम अपने हक में जितनी हमारे अंदर मेहनत होगी उससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। सर, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं बच्चों को? मैं कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब यानी कि सभी प्रतियोगिता जो कक्षाएँ होती हैं इसमें हमारी अन्य जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया और SSC स्टैन हो गया और UPSC की अनेक परीक्षाएँ हम लोग कराते हैं, हमें तैयारी कराते हैं। कोचिंग सेंटर में कितने घंटे में आप यहाँ पढ़ाई की जाती है? करीब 2 बजे क्लास है, 2 बजे क्लास में चलता है, शुरू 8 बजे से शाम को 2 बजे तक। अच्छा, कितनी यहाँ फैकल्टी है? फैकल्टी के अगर बारे में हम बात करें तो बाहरी बच्चा आता है तो सुबह से लेकर शाम तक फुल आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए आप शिफा लाइब्रेरी में? लखनपुर लाडपुर। लखनपुर लाडपुर से कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से होगा 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर। ऐसे तो यही लाइब्रेरी आपको क्यों पसंद है? क्षेत्र में ये ऐसी कोचिंग कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ जिस तरह की शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, जो फैकल्टी है तो अच्छी तरीके से आपको शिक्षा मिलती है? जी। कंपटीशन में क्या रहता है यहाँ? किस तरह की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है? फोर्स लाइन है, बैंकिंग है, SSC है। जैसे सुविधाओं में क्या है? सुविधाओं में तो सभी है, AC है, फैन है, बैठने की व्यवस्था है। जैसे कहीं देखा जाता है कि भेदभाव होता है, कुछ जगह शिकायतें आती हैं, जो टीचर्स होते हैं वो भेदभाव के नज़रिए से देखते हैं बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो पहली लाइब्रेरी है जहाँ अच्छे काफ़ी बच्चे जो काफ़ी मात्रा में हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे बाहरी बच्चों को? बाहरी बच्चों को यही कहना चाहेंगे यहाँ अच्छी पढ़ाई यहाँ पर ही है। यहाँ क्या गया है कॉपी देकर, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर शिफा लाइब्रेरी में वीकली टेस्ट किया जाता है जिसमें हम आपको पता है। ये लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चांदपुर। कहाँ पड़ता है चांदपुर? चांदपुर जिला मुजफ्फरबाद में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरबाद, कैसे खाना भगत। किस तरह की तैयारियाँ यहाँ कराई जाती है? कंपटीशन की तैयारी की जाती है, कंपटीशन की SSC वगैरह। अब जो आपने एग्ज़ाम पास किया है उसमें किस चीज़ की तैयारी कराई? UPP का एग्ज़ाम। UPP का कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था? 150। 150 प्लस। आपको कितने अंक प्राप्त हुए? 135।